शुक्रवार से हो रही जोरदार बारिश के चलते इंदौर जिले के सभी जलाशय लबालब हो गए। भारतीय मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के अनुसार 15 से 17 सितंबर के दौरान मध्य प्रदेश के कई जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अनेक स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बीते एक सप्ताह से देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों को काफी राहत मिली है। वहीं कहीं पर किसानों की फसलों को भारी नुकसान भी हुआ है। खेतों में फसल पानी में डूब गई है, फिर भी अभी बारिश का आंकड़ा सामान्य से कम पर ही बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। शुक्रवार से देपालपुर बैटमा क्षेत्र में हो रही जोरदार बारिश से क्षेत्र के यशवंत सागर के 6 गेट खोलना पड़े, तो वहीं कई दशक बाद प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बनेड़िया तालाब सबसे ज्यादा ओवरफ्लो हो गया है। क्षेत्र से बहने वाली चंबल और गंभीर नदी भी उफान पर है। साथ ही बेटमा से सागर कुटी पर जाने वाले रोड पर बने रपट पर भी पानी ज्यादा होने से बेटमा व पीथमपुर का संपर्क कट गया है, जिसके कारण कई लोग रोजगार के लिए कंपनी और संस्थान में भी नहीं जा सके। गौरतलब है कि इस मार्ग में 3 पुलिया आती हैं, जिसके रपट पर पानी आने से आवागमन बाधित हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को इसके लिए ज्ञापन भी दे चुके हैं, पर समस्या जस की तस बनी हुई है। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कल से शुक्रवार से दोपहर से बारिश जोरदार हो रही है। पूरा इंदौर ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश, पूरे देश में इस समय भारी बारिश का दौर जारी है। और आप देख सकते हैं मैं इस समय मौजूद हूँ बेटमा में, और ये बेटमा को पीथमपुर से जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं सामने एक ट्रक और एक छोटी सी, जिसको छोटा हाथी के नाम से जाना जाता है, वो फंसा हुआ है। उन्होंने कुछ कोशिश करी बाहर आने की, इधर निकलने की। ये रोड जो है पीथमपुर को जोड़ता है, यहाँ से पीथमपुर के लिए इस क्षेत्र के कई लोग जाते हैं, जो अपना रोजगार जीवन यापन करने के लिए यहाँ से निकलते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है उनके सामने कि यहाँ जब ये रास्ता बंद होगा इस तरीके से, यह एक ही नहीं दो नहीं, इस रास्ते पर यहाँ से वहाँ तक जाने में, उनके गंतव्य तक जाने में, उनको अपने पहुंचने में वहां तक 3 पुलिया का सामना करना पड़ता है। तो उनको जो उनके रोजगार में जाने में, उनके गंतव्य तक पहुंचने में उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना जाम इधर पीछे भी लगा हुआ है, बिल्कुल रोड जो है, लोग अभी सुबह से इधर आना जाना पूरा सभी का बंद हो चुका है। तो ये स्थिति इस समय यहाँ की है कि यहाँ का जो मार्ग है ये अवरुद्ध हो जाता है, आवागमन पूरी तरीके से बंद हो जाता है, लोग जो जहाँ है वो वहीं रह जाता है। आप पानी की स्थिति देख सकते हैं, यह संभावना भी 3 दिनों की बताई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश के यहाँ हालात है, और लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके लिए प्रशासन को इस मार्ग को जो अवरुद्ध हो जाता है, बार बार इसका आवागमन बंद हो जाता है, इसके लिए प्रशासन को कुछ न कुछ जरूर ध्यान देना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि इसके लिए कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके ऊपर कुछ निराकरण नहीं हुआ है। तो जल्द ही इस तरीके से प्रशासन को इसके ऊपर कुछ ध्यान देना चाहिए, इसके लिए कुछ निराकरण इसका करना चाहिए। बारिश है, बारिश के समय में ये समस्या आती रहती है, तो लोगों को भी इस समय बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बारिश की इस विशेष रिपोर्ट के साथ मैं राजेंद्र सूर्यवंशी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।